सिंह साहब की गल हुई है पूरी सारी कंडक्टर को पता मैं बोल जम्मू के केसी चौक से समय की तस्वीरें यहां पर आपको बताने चले कि ई बसिस के एक कंडक्टर के साथ मारपीट किए जाने का मामला यहां पर सामने आया और जिसके बाद एक बड़ा हंगामा यहां पर देखने को मिलता हुआ मैडम जी मेरी बात सुनो गाड़ी चल रही है 8 महीने हो गए कभी ड्राइवर कुछ क्लिंडर को पंगे ले रहे हैं हम इनसे हमसे कोई लेन देन नहीं है कोई बस नहीं हमारा हमारी गाड़ी गवर्नमेंट की हम तो गवर्नमेंट मुलाजम है अपनी ड्यूटी करते हैं तो गाड़ी चलाते हैं मैं सुबह बस कनेक्टर को मार पता क्या कर दिया मारा क्या किया इनको कोई ऐसे माड़ा मोटा कुछ काम हो मेरे को कॉल आई जस्ट अरे प्रधान साहब कहाँ पे हो मैं घर पे जस्ट अभी भाग गया अगर चाहते मैं कार्रवाई करो बात को लेकर देखो हमको चाहिए सेफ्टी गाड़ी है गवर्नमेंट हमें घर की गाड़ी नहीं है जब तक सेफ्टी में नहीं हम गाड़ी चक्का जाम करेंगे आप जाके हम नहीं छोड़ेंगे किस बात को लेकर लड़ाई हुई कुछ पता रोड पे चलते हैं बट मारते हैं देखो रोड पे चलते हैं किस बात को पैसेंजर हमारी गाड़ियों में बैठ रहे हैं उनमें बैठ नहीं रहे इस वजह से उन्होंने हाइपर होके तो मारने की कोशिश करते हैं हमारी ई बसेस में बैठ रहे थे हाँ हमारी क्या गलती है हमारी बसें चल रही है सरकार से बोलो हमें मारने का कोई उनको हक नहीं है आज किसी को छोटी मारी है थप्पड़ मारा है कल किसी से सिर भी फोड़ सकता है हमें सेफ्टी चाहिए हमारी कोई सेफ्टी नहीं है अभी हमने एक मेटाडोर वाले को बोला भैया आपके रूट की गाड़ी हमें मार गई है आप रोक दो गाड़ी इधर वो बोलने लगा पीछे हट जाओ नहीं तो हम गाड़ी चढ़ा देंगे आपके ऊपर सभी के ऊपर और जबरदस्ती उसने निकाले पुलिस वाले भी इधर साथ में खड़े थे ये बात किसने बोली अभी ड्राइवर ने जो बंकला की दूसरी गाड़ी थी हमने बोला भैया गाड़ी खड़ी कर दो आपके किसी ड्राइवर ने इधर मारा हमें कंडक्टर ने आप गाड़ी खड़ी कर दो बोलता नहीं आप पीछे हट जाओ नहीं तो सबको चढ़ा दूंगा गाड़ी ऊपर ऐसे बोल रही है ये थोड़ी बात है रोज हम मार खाएंगे सर ऐसे ऐसे हम रोज मार खाएंगे कभी कंडक्टर को 4-5 दिन पहले इन्होंने सतवारी में मारा आज इधर मारा मेटाडोर वाले हमें करा साड़ी नहीं दे रहे हैं जान जान के गाड़ी तोड़ रहे हैं जब टूट जाएगी हमें डिपो वाले बोल रहे हैं प्लांट वाला हमारे जो स्मार्ट सिटी वाले बोल रहे हैं बोलते हैं गाड़ी लग गया था आपने जी मारी है हम क्या कर सकते हैं बोलता हूँ हम गाड़ी चलाएंगे उनको पकड़ेंगे कैसे करेंगे हम सवारी को लेकर जम्मू के केसी चौक में एक बहुत बड़ा विवाद जो है वो मेटाडोरों और ई बसेस के बीच में यहाँ पर देखने को मिला है जिसमें ई बसेस वालों का ये कहना है कि जनाब यहाँ पर वो जब सवारी जो है वो चढ़ाते हैं तो कुछ सवारियां जो है वो ई बसेस में बैठ रही थी लेकिन ऐसे में मेटाडोर वाले जो है वो उस चीज को नहीं पचा पाए और जिसके चलते यहाँ पर जो है वो मेटाडोर चालक पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके द्वारा यहाँ पर मारपीट की गई है अभी SHO जो बस स्टैंड के हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और बातचीत यहाँ पर की जाएगी देखो कि गड्डी साड़ी नहीं गड्डी किसी गवर्नमेंट की है ठीक है सर पहले नंबर देखो साढ़े ना कोई बात नहीं है उन्होंने पूछो कि साढ़े ड्राइवर ने किसी ने किलर पत्नी की हो या साढ़े ड्राइवर ने किसी ने गाल कटी हो साढ़े ड्राइवर इन्होंने किलर को क्या हो जस्ट ऐसा कम नहीं हो सकता देखो देखो जी साल जैसी गल है ये हम देखो साढ़े किलर करते हैं कट्टबाजी मार देन सानू मार देन कट्टबाजी करते हैं कट मार देन ये चलेगा ज्यादा गलत नहीं हूँ साढ़े किलर मार गए अति सवेरे से देखो ना कि देखो गलत है सर देखो गलत गल है एक ड्राइवर घर आ रहा रोजी कमान रोटी कमान उसको तुम आके मारोगे या कोई किधर जाएगा किधर गरीब किधर जाएगा किनू गए रोटी खा दे आज कौन किसी बच्चे मार रहा सर दसो
कोई मर जाएगा तो कौन जिम्मेवार है? हमें सेफ्टी चाहिए, हम ऐसे नहीं चलेंगे भाई। हमारी कोई सेफ्टी नहीं है, कोई की सेफ्टी नहीं है। मेरा नाम अरविंदर सिंह, ठीक है सर। आप करोगे क्या विकास सर? लिखता हूँ मैं सर, लिख दूंगा वाली मैं एफआईआर दे दूंगा। बाकी सर सुनो नहीं इसको। नहीं सर, पता क्या होता है, अगर आप सुनो ना ड्यूटी आप पूरी करो। लेकिन सर हम अगर ऐसा दूसरा चांस हुआ हम गाड़ी नहीं चलेंगे। चौक में चाहे मरेगी दुनिया, हमारे भाई मरे जान देंगे सर, जान देंगे भाई के पीछे, ऐसी बात नहीं है। आप जो मेन मेन हो वहाँ पर चलो चलो सर। कि बस स्टैंड पुलिस द्वारा कार्रवाई करने की यकीन दहानी यहाँ पर कराई गई है कि जो भी इसमें गलत होगा उसके खिलाफ यहाँ पर अभी क्या कह रही है पुलिस, क्या कह रही है पुलिस, क्या कह रही है, कह रही है कार्रवाई होगी उनपे गुंडों पे। पर्चा लग गया? हाँ पर्चा लगा गाड़ी पे भी। उसका काम हो गया सर, हम 400 रुपए दिहाड़ी लेते हैं सर, हम मार खाने के लिए थोड़े पैसे ले रहे हैं। अगर हम बदतमीजी कर रहे हैं आप करो, हमें जो मर्जी बोलो, लेकिन अगर हम आपके साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं पूरा, अगर सवारी अपनी मर्जी से हमारी गाड़ी में चढ़ रही है तो उनको क्या प्रॉब्लम है? अगर हमें प्रॉब्लम नहीं है उनसे तो उनसे उनको क्या? हम तो भैया यार दिहाड़ीदार बंदे, हम दिहाड़ी लगाते हैं हमारी। आप अगर आपको परेशानी है आप गवर्नमेंट सर, अभी तीन बार चार बार चांस हो गया सर हमारे साथ। आप देख सकते हैं कि जितने भी ई बसेस हैं उनके द्वारा इस समय यहाँ पर जो है वो गाड़ियों को खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि उनके एक कंडक्टर के साथ यहाँ पर जो है वो मारपीट की गई। और जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि एक मेटाडोर के कंडक्टर ने यहाँ पर ई बसेस के चालक के साथ यहाँ पर मारपीट करी, और जिसके बाद यहाँ पर जितनी भी ई बसेस हैं उनके द्वारा यहाँ पर जो है वो ई बसेस को यहाँ पर बंद कर लिया गया। और काफी ज्यादा गुस्सा इस समय यहाँ पर जो है वो इनमें देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस भी इस समय जो है वो मौके पर पहुंचे, लेकिन ये सारी की सारी ई बसेस जो है वो इस समय यहाँ पर केसी चौक में आपको देखने को मिल रही होगी, क्योंकि ई बस के एक ये कहें कि कंडक्टर के साथ मारपीट की गई है। और मारपीट करने की वजह जो है फिलहाल ये बताई जा रही है कि जनाब जहाँ पर जो है वो केसी चौक में जब सवारियां चढ़ा रहे थे, लेकिन ऐसे में अचानक जब सवारियां जो है वो ई बसेस में बैठने लगी तो उसके बाद जो मेटाडोर का कंडक्टर था उसके द्वारा जो है वो मारपीट की गई है। अभी फिलहाल पुलिस द्वारा जो है वो मामला दर्ज कर लिया गया है, जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन जम्मू से इस समय की ये सबसे बड़ी अपडेट जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू के केसी चौक में एक बड़ा हंगामा उस वक्त देखने को मिला है जब अचानक यहाँ पर जो है वो ई बसेस के एक कंडक्टर के साथ जो है वो मारपीट की गई है। और मारपीट जो है वो बताया ये जा रहा है कि एक मेटाडोर के कंडक्टर है या ड्राइवर है उसके द्वारा जो है वो की गई है, और जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जो आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। मेटाडोर चालक द्वारा इस तरह से मारपीट किए जाने के बाद जम्मू में इस समय आप देख सकते हैं कि कल जिस तरह से आपने देखा होगा कि तमाम बसें जो है बंद थी, लेकिन आज इलेक्ट्रिक बसें जो है यहां पर बंद हो चुकी हैं। इलेक्ट्रिक बसों वालों की बात करें तो उन्होंने इस समय यहां पर पूरी बसों को यहां पर खड़ा कर लिया है, और इस समय उनकी मांग ये है कि जनाब जो भी मेटाडोर चालकों द्वारा इस तरह की हरकत की गई है एक इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर के साथ उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई देखने को मिले। लेकिन आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, ये जो भी एक मेटाडोर के कंडक्टर ने इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर के साथ सवारी को लेकर मारपीट करी, और वजह फिलहाल ये बताई जा रही है कि जनाब जब सवारियां जो है वो इस चौक में इलेक्ट्रिक बस में बैठने लगी तो ऐसे में मेटाडोर के कंडक्टर से वो बर्दाश्त नहीं हो पाया, और जिसके चलते उसने यहाँ पर जो है वो थप्पड़ मारना यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस के जो कंडक्टर था उसको जो है वो शुरू कर दिया। और जिसके बाद आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर जितनी भी इलेक्ट्रिक बसें हैं दूर दूर तक आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर खड़ी कर दी गई हैं। मेटाडोर चालक द्वारा इस समय जो है वो जम्मू के केसी चौक में इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर के साथ मारपीट किए जाने का मामला जम्मू में यहाँ पर सामने आया, और जिसके बाद काफी ज्यादा हंगामा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला। और वहीं पुलिस इस समय मौके पर है ताकि कोई भी किस तरह के हालात यहाँ पर खराब ना हो। लेकिन आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि ये जो भी कदम जो है वो यहाँ पर एक
मेट्राडोर चालक द्वारा जो है वो उठाया गया है ये सही है या फिर गलत है, देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।